जी का कर्मकांड आचार्य जी ने अगले क्रम में डॉक्टर वाइन साहू जी से निवेदन युवाए और सापा और आर के साथ में श्री विकास जी का समर्थन करें। स्वागत है कर्मकांड का कर्मकांड आचार्य जी। कथावाचक शिविर प्रभारी टोली नायक अष्टमेघ यज्ञ रजत जयंती कर्मकांड विद्वान विशेष प्रवक्ता पूरे भारत और देश विदेश में पूरे ख्याति प्राप्त कथावाचक के रूप में आप यहां पर उपस्थित हैं। एक बार देव मंच की ओर से और यज्ञ आयोजन समिति की ओर से मैं सब सब अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली विराम देते हुए अब यह क्रम हम शांति कंटोली को समर्पित करते हैं। खड़े हो जाए दूसरे राकेश सोनी जी, चंद्र प्रकाश लहरी जी, रामचंद्र साहू जी, दिलेश्वर गोपचे जी, डॉक्टर अजय गजेंद्र पादरी और डॉक्टर चौधरी साहब, ये सामने सप्तऋषियों के सामने अपने अपने कुंड की पूजा की थाली लेकर के आ जाएंगे और जब जिन ऋषि का आह्वान हो उन ऋषियों के सामने पुष्पक्षक फल एक एक केला और ये समर्पित पूजा की सामग्री समर्पित करते चलेंगे। आइए पूजा चक्र। हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि संस्कृति का प्रतीक है, गाया जाता है ना वो दो पंक्तियाँ कुछ है, ऋषियों के तप से त्याग बल सेवा धर्म भूली हुई जाती। आइए थोड़े दो पंक्तियाँ जब तक आप लोग आ रहे हैं, एक एक दंपत्ति ऋषियों के साथ Hare 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 Hare
फिर तत्व वेदियों का पूजन होगा, तब कहीं फिर सब समस्त देवताओं को प्रणाम करके फिर पुरुष सूक्त से पूजन का क्रम होगा। इसलिए आने के लिए ऋषियों की सर्वोच्च संसद सप्तऋषि मंडल के नाम से जानी जाती है। यह महायज्ञ उन्हीं के निर्देशों में संरक्षण में हो रहा है। उनकी यात्र शक्ति के प्रवाह का लाभ जन जन को प्राप्त हो, इसलिए हम सुविधा सहित सप्तऋषियों का आवाहन कर रहे हैं। सबसे पहले गौतम ऋषि, जो कि क्रियाओं को दिव्य भावनाओं दिव्य शक्तियों के साथ में युक्त करने वाले, कर्मकांड का विकास करने वाले, यज्ञ प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने वाले सभी ऋषियों के प्रपात्र सप्त ऋषि गौतम का हम आवाहन करते हैं, वे यज्ञ कर्मकांड की को त्रुटिहीन बनाए। सभी लोग इसका ध्यान रखें, समर्पित कर दी, हाँ कर दीजिए, समर्पित करके बैठना। ऋषि भारद्वाज आवाहन, ज्ञान के अगाध भंडार, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के विस्तारक महर्षि भारद्वाज। ध्यान दीजिए, थाली नीचे रखिए, थाली नीचे रख, पुष्पक्षत दीजिए, पुष्पक्षत पहले थोड़ा करें, फिर फल, फिर आत्मनी का जल, और इतना करके बैठ जाया करें। आइए अब ब्रह्मा जी विश्वामित्र का आवाहन। अग्नि के समान तेजस्वी तपोनिष्ठ गायत्री महाविद्या के शोधकर्ता ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ स्थल पर भाव और आह्वान करते हैं। विश्व मानव के प्रति हमारे अंदर मित्र भाव संचरित करें, गायत्री महाशक्ति को विश्व माता के रूप में स्थापित करें, धरती पर स्वर्ग के सृजन की भूमिका निभाएं। कश्यप ऋषि का आवाहन। देव मानव को समान रूप से करुणा की दृष्टि से देखकर उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन देकर सबका हार्दिक सम्मान प्राप्त करने वाले महर्षि कश्यप का हम भाव भरा आवाहन करते हैं।
ऋषि जो बड़े तेजस्वी और गायत्री के सिद्ध साधक जिन्होंने गायत्री को कामधेनु के रूप में प्रतिष्ठित किया, ऐसे जमदग्नि ऋषि का आवाहन। करुणा से भरे हृदय वाले सबके परम हितैषी कर्म कुशलता से राजतंत्र एवं धन धर्म तंत्र में हितकारी समन्वय करने वाले समर्थ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का युगों को अपने संकल्प अनुरूप ढालने में समर्थ हे महर्षि वशिष्ठ आपका आह्वान करते हैं। आप हमें अध्यात्म विद्या तथा शासन तंत्र की शक्तियों किया था, वैसे ही वर्तमान समय की अरुंधती माता भगवती देवी शर्मा जी ने वंदनीय माता जी ने नारी जागरण का सख्त निर्णय किया है। नारी जागरण के प्रति नारी शक्तियों की कुरीतियों अंधविश्वासों का प्रतीक, नारियों के सशक्तिकरण का प्रतीक तथा महिला सशक्तिकरण जो पक्ष चल रहा है, इसमें देशभर की नारियां अपने आप को जाने पहचाने, अपने भीतर की सामर्थ्य को जागृत करें। इस भाव के साथ में नारी की गरिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली माता अरुंधति का भावभरा आवाहन किया जा रहा है। यहाँ पर वंदनीय माता जी के चित्र के सामने आवाहन करें। अब आइए, अब सरसों भगमंडल का पूजन का क्रम प्रारंभ हो रहा है और ईशान कोण से पूर्व उत्तर के कोने से इस पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम वैदिक
पौराणिक सांस्कृतिक धार्मिक देव के प्रथम पूजन से महायज्ञ का पूजन का चौथा मंडल का क्रम प्रारंभ हो रहा है। गणपति भगवान हम सबको सिद्धि सिद्धि प्रदान करें, हमारे विघ्नों को दूर करें, हमारे अंदर सुख शांति की समृद्धि करें। इस भाव के साथ में गणपति भगवान का पहले पद्य में आवाहन होगा, उसके बाद में गणपति का वैदिक रूप से आवाहन किया जाएगा। सबको आरोग्य प्रदान करें, रोग बीमारियां हटाएं, स्वास्थ्य साथ में अश्विनी कुमार का वैदिक आवाहन। ओम अश्विनाते दशा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो वरेन्द्राय धुरी ब्रह्मा। ओम अश्विनी कुमार अभ्याम नमः। आवाहयामि स्थापयामि के पोषक है। आइए सूर्य भगवान का पहले हम पद्य में आवाहन करें। ग्रहों का आह्वान किया जा रहा है, नौ ग्रहों का। सूर्य के बाद में सूर्य ऊष्मा देते हैं। ज्येष्ठाय महते दानराजाय इंद्रसिंद्रियाय इमामोश्चा पुत्रमंश्चै पुत्रमंश्चै विषये सौमि राजा सोमोऽस्माकं छोड़ेंगे शनि के आह्वान के साथ। शनि की वक्र दृष्टि हटे
शुभ दृष्टि हमारे ऊपर रहे, भाव के साथ में शनि ग्रह का आह्वान सुना अभी एक मिनट भाई, पहले शुक्र देव का आह्वान होगा उसके बाद शनि का, आइए दोनों हाथ जोड़ेंगे। वासुदेवता
आपकी कृपा से ही हमारे प्रॉपर्टी के जमीन जायदाद खेती बाड़ी के काम बनते हैं। आइए वासु देवता की कृपा बनी रहे। अश्वमेध 191 कुंडी यज्ञ का आज शंखनाद किया गया। रजत जयंती यज्ञ समारोह का आज दूसरा दिन है, जिसमें देव आह्वान से यहाँ पर शांति कुंज की टोली के द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। और यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने सभी जिला से यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता और हजारों लोगों की संख्या में यहाँ पर उपस्थिति है। और यह यज्ञ आयोजन जो आज हो रहा है, ये लगातार अभी 1 बजे तक लगातार चलेगा। और इसमें हम 151 कुंड रखे हैं और इसमें सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का आह्वान के साथ यह यज्ञ प्रारंभ हुआ। अतिथियों में किस किस को आमंत्रित किया गया है आज के लिए? आज के अतिथि में हमारे बीच दुर्ग लोकसभा के सांसद श्री विजय बघेल जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती रमशीला साहू जी यहाँ पर यज्ञ में अपना बैठ चुके हैं। और आज के यज्ञ के क्रम में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। प्रारंभ होगा जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय सांकरा के युवाओं के द्वारा संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ के भाई बहन कितने शानदार हैं, एक आवाज में व्यवस्था बनाई। आइए थोड़ा सा गीत होगा भगवान की पूजन का, उसके बाद में हम लोग पूजन करेंगे। बीच में आने के लिए एक जगह बस छोड़ना है, बाकी हमारे कार्यकर्ता भाई बीच से ऐसे जगह छोड़ के एक लाइन बना के बैठे, लाइन लिखना चाहिए, इधर उधर ना बैठे। सम्यक रूप में प्रणाम कर ले हाथ जोड़ करके। रक्षा विधान, आहुतियाँ, शक्ति वाचन, रक्षा विधान आज का क्रम होगा। ये यहाँ से चल रहा है, आप लोग इसमें सुविधापूर्वक सम्मिलित हों और कार्यकर्ता जो है जो साथ वो वहाँ गायत्री माता मंदिर में मेरे साथ चले। यहाँ का क्रम अब आपका प्रारंभ हो रहा है। सभी याजक साधक भाई बहन अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ओम मात्रे देवता वातो देवता सूर्यो देव
दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। गायत्री स्तवनम्। गायत्री प्राण विद्या है। पृथ्वी पर प्राणों का संचार सुर रूप सविता देव के द्वारा होता है। इस स्तवन में सविता देव से ऐसी पवित्रता एवं प्रखरता की याचना की गई है जिसके आधार पर हम सब इस देव कार्य को गरिमामय ढंग से आगे बढ़ा सके। संस्कृत के गे छंदों के अनुरूप आप सभी पुनः तुमाम तत् सवितुर्वरेण्यम बोलते हुए आइए प्रार्थना में सहयोग करें। चार चार
चार संविधाएं रखी होंगी, उसको अलग कर लीजिए, एक एक करके संविधाएं। इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए आइए क्रमशः एक एक संविधा को बीच से पकड़िए, दोनों छोर को भी में डुबाइए, स्वाहा के साथ यह भगवान को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
से धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः।